आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। सुख ज्यादा या दुख, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। सुख दुख अपने हाथ में, सुख कर्ण प्रिय शब्द हैं, यह कानों को बहुत प्रिय लगता है। दुख शब्द का उच्चारण करते ही लगता है जैसे कानों में कोई नुकीली चीज चुभोई जा रही है। प्रिय को हम स्वीकार करते हैं, अप्रिय को अस्वीकार, फिर सुख प्राप्ति का वांछित प्रयत्न आदमी क्यों नहीं करता। मनुष्य इस धरती का सबसे समर्थ प्राणी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम। फिर वह कहे कि मैं दुखी हूँ तो स्पष्ट है कि वह अपने आप से अपरिचित हैं, अपने स्वरूप की उसे पहचान नहीं है, अपनी शक्ति का उसे ज्ञान नहीं है। यही अज्ञान आदमी को दुखी बना रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है स्व के बोध की, अपनी शक्ति और समता के पहचान की। अल्प साधन अधिक सुखी, सुख और दुख के बारे में भ्रांतियां भी कम नहीं है। प्राय ये मान लिया जाता है कि शहर का आदमी है, बहुत पैसा कमाता है, इसलिए सुखी है। गांव के गरीब आदमी के बारे में मान लिया जाता है कि थोड़ी सी खेती है, पास में पैसा नहीं, मजदूरी करके गुजारा करता है, इसलिए दुखी है। वास्तविकता यह है कि जिसके पास संतोष का धन है वह अभावग्रस्त होकर भी कभी दुखी नहीं बनेगा। अगर इस बात को मानकर चले तो सुख दुख के बारे में एक सूत्र बनता है, अल्प साधन अधिक सुखी, बहु साधन बहुत दुखी। जिसके पास साधन कम है वह सुखी है और जिसके पास साधनों की भरमार है वह दुखी देखा जा सकता है, यह एक सच्चाई है। इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुखी और सुखी होने का कारण वस्तु की सुलभता या दुर्लभता नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अज्ञान है, भीतर का कषाय है। गहराई से सोचे और विश्लेषण करें तो पाएंगे कि साधन संपन्नता के साथ क्रोध, आवेश, अहंकार, लोभ आदि में वृद्धि हो जाती है, लड़ाई और कलह की स्थिति बनती है, तो सारा सुख गायब हो जाता है, जीवन की सरसता समाप्त हो जाती है और जीवन पूरी तरह से नीरस बन जाता है। क्रोध आदमी का एक सामान्य संवेग है, इस पर नियंत्रण न किया गया तो यह धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाता है, फिर बात बात में आदमी गुस्सा करने लगता है, यह जानते हुए कि क्रोध करना ठीक नहीं फिर भी आदमी गुस्सा करता है, क्यों? इसलिए कि उसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। शास्त्रों में, ग्रंथों में, महापुरुषों के वचनों में बार बार यह बात आती है कि क्रोध पाप का मूल है, फिर भी आदमी यह पाप करता है, बार बार करता है, क्रोध का परिणाम भोग कर भी करता है, क्योंकि उसका अपनी वृत्तियों पर, आदतों पर नियंत्रण नहीं है। करता कौन? सुख वाली बात नियंत्रण से जुड़ी हुई है। अपनी वृत्तियों पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, आदतों में और स्वभाव में परिवर्तन लाने में अगर आप असमर्थ हैं, तो कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई खुदा आपको सुखी नहीं बना सकता। दूसरा, न तो कोई हमारा कुछ बना सकता है, न बिगाड़ सकता है। वस्तुतः हमारी वृत्तियां ही हमें बनाती और बिगाड़ती हैं। फिर हम सुख दुख का कर्ता किसी और को क्यों माने? शिक्षा हमारी जानकारी को बढ़ाती है, अज्ञान को दूर करती है, बुद्धि का विकास करती है, तर्क शक्ति को प्रखर बनाती है। इसलिए वृत्तियों को बदलने में वह भी तब तक असमर्थ होगी जब तक उसके साथ प्रयोग और अभ्यास को नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षा धन कमाने की कला तो सिखा देगी, लेकिन जीवन निर्माण की कला वह नहीं सिखा पाएगी। सुख सुविधा के साधन तो जुटा देगी, लेकिन हित साधन वह नहीं कर पाएगी। आज आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, इनमें उनकी संख्या ज्यादा है जो पढ़े लिखे और उच्च शिक्षित हैं। आत्महत्या के तरीके भी बहुत से खोज लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि आदमी आत्महत्या उसी स्थिति में करता है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, संवेग और आवेगों की प्रबलता अपने चरम पर पहुंच जाती है, अतिशय निराशा या क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को दंडित कर लेता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की फिर सार्थकता क्या रही?
बुद्धि के साथ विवेक भी जरूरी है। बुद्धि हो और विवेक भी हो तो आदमी दुख की ओर जाने का रास्ता नहीं लेगा। व्यक्ति को विवेकशील बनाने के लिए हमने जीवन विज्ञान की पद्धति विकसित की। यह पद्धति जीवन जीने की कला सिखाती है। यह योग, ध्यान और आसन प्राणायाम का सम्मिश्रण है। इसमें न तो किसी उपकरण की जरूरत पड़ती है, न भारी भरकम पाठ्यक्रम की। सामान्य सी श्वास की प्रविधि और एकाग्रता के कुछ प्रयोग। यह एकाग्रता जब हमारी आत्मा के साथ, चेतना के साथ जुड़ जाती है तो सुख का रास्ता खुल जाता है। बीमारी आज के युग में एक बड़ी समस्या बन रही है। जुकाम, खांसी, बुखार आदि बड़ी बीमारी में नहीं गिने जाते। उनके लिए पहले अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। पुराने नुस्खे ही उन्हें ठीक कर देने के लिए पर्याप्त होते थे। लेकिन समय के साथ साथ आदमी की प्रवृत्तियां जैसे जैसे बढ़ी, नए नए रोग पैदा होने लगे। एड्स, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदि नए जमाने की कई नई बीमारियां हैं। दवा भी अभी तक इजाद नहीं हो सकी है। लगातार बढ़ती महंगाई और घटती क्रय शक्ति के कारण आदमी आज महंगा इलाज कराने में असमर्थ हो रहा है। अगर मूलभूत बातों को समझ लिया जाए तो रोगग्रस्त होने की नौबत ही नहीं आएगी। मूलभूत बातें यह हैं कि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार आदि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर बनाते हैं। यह रोग प्रतिरोधक शक्ति या रेजिस्टेंस पावर कमजोर हुआ कि शरीर बीमारियों का घर बनने लगता है, और बीमारी से बड़ा कोई दुख नहीं है। शरीर स्वस्थ नहीं तो दुनिया की हर चीज आदमी के लिए बेकार है, अनुपयोगी है। समस्या अमीरी और गरीबी की। हम पुनः उसी बात पर लौटते हैं कि कुछ दुख तो बाहर से आता है और बहुत सारा दुख हमारे भीतर ही विद्यमान है। बाहर का दुख पदार्थ जनित है और भीतर का दुख कषाय जनित। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर भीतर से पैदा होने वाले दुख को रोक लिया जाए तो बाहर से आने वाला दुख हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। एक बड़ी कठिनाई यह है कि गरीब आदमी को गलत दिशा लेने के लिए प्रेरित और बाध्य करती है। गरीबी, अभाव, दुख और समस्या ये आदमी को नशे की ओर ले जाते हैं। नशा अपराध और दूसरी बुराइयों के द्वार खोलता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि अमीरी भी आदमी को गलत दिशा में ले जाती है। मैंने अमीरी को गरीबी से ज़्यादा खतरनाक माना है। प्राय लोगों को सचेत भी करता रहता हूँ कि अमीरी से सावधान रहो। गरीबी एक दो बुराइयों की ओर ले जाती है, अमीरी तो बुराइयों की गहरी सुरंग में प्रवेश करवा देती है। गरीबी छोटी छोटी चोरी करवाएगी, अमीरी सीधा डाका सिखा देती है। गरीब किसी को क्या दुख देगा, अमीर एक साथ कितने लोगों को दुखी बना देता है। जीवन में नैतिक और प्रामाणिक बनेंगे तो न अमीरी सताएगी न गरीबी। गरीबी का आप अनुभव नहीं करेंगे और अमीरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, दोनों की अनुभूति में सम रहेंगे। गरीबी का अनुभव नहीं होगा तो दुखी होने का प्रश्न ही नहीं होगा। अमीरी का अहंकार नहीं होगा तो दुख पैदा करने वाले प्रसंग नहीं आएंगे। हमें सुखी जीवन के कारणों की खोज करनी है। वे कारण हमारे भीतर हैं। हम अपने भीतर जाके और उन सूत्रों की खोज करें। सुख का यही सबसे अच्छा उपाय है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का प्रयोग और उपयोग हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सुख और दुख अनादि काल से रहे हैं और रहेंगे। यह दुनिया न तो कभी पूर्ण रूप से सुखी रही है न पूर्ण रूप से दुखी। कम या ज्यादा मात्रा में हर समय और हर काल में सुख और दुख अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। जिन्हें हम अवतार मानते हैं उनके समय में भी दुख दैन्य की स्थिति रही, क्योंकि इसकी फिलोसफी कर्म और प्रारब्ध के साथ जुड़ी हुई है। एक बहुत सुंदर और मार्मिक दोहा है, सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान सु, मूर्ख काटे रोए। यह प्रश्न आप पर ही छोड़ देता हूँ कि सुख दुख को आप ज्ञानी की तरह काटना चाहते हैं या अज्ञानी मूर्ख की तरह। सुख का राजमार्ग। सुख और दुख के रहस्यों को जानने की उत्कंठा मुझे बाल्यकाल से ही रही। सुख और दुख के अनुसंधान में 60 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, फिर भी मैं इसके पूरे रहस्य को नहीं जान सका। मैंने दीर्घ काल तक यह समझने का
प्रयास किया कि सुख दुख की कर्ता अपनी आत्मा है, यह सच्चाई है या अतिशयोक्ति। वास्तव में हम अपने आप को सुख दुख का कर्ता नहीं मानते। हमारी अवधारणा में कोई सुख देने वाला है और कोई दुख देने वाला। सुख और दुख मैं स्वयं ही पैदा कर रहा हूँ, इसे कोई दूसरा जनरेट नहीं कर रहा है, हम स्वयं ही कर रहे हैं। हमारी यह अवधारणा बहुत कम है। संवेदन सुख दुख का, कोई अनुकूल परिस्थिति आई, सुख का संवेदन शुरू हो जाता है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, दुख का संवेदन शुरू हो जाता है। सुख और दुख पैदा करने वाली हमारी कुछ अवधारणाएं हैं। एक और परिस्थिति है, दूसरी और अवधारणा या मान्यता। अच्छी परिस्थिति मिली, अच्छा योग मिला तो सुख का अनुभव शुरू हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां मिली, प्रतिकूल संयोग मिला तो दुख का संवेदन शुरू हो जाता है। जहाँ तक अवधारणाओं की बात है, कुछ अवधारणाएं हमने बना रखी हैं या कषाय जनित संवेगों के कारण यह मान्यता बन गई कि मन चाहा हो तो सुख और मन के विपरीत हुआ तो दुख की अनुभूति होने लगती है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, लेकिन ऐसा संभव कहाँ है। प्रकृति और भाग्य किसी के अनुचर नहीं है। जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं वे भी इस बुलावे में न रहे कि भगवान को पटा लूंगा और मन चाहा करवा लूंगा। विधि का विधान अपने हिसाब से चलता है, उसका गणित बहुत पेचीदा है और उलट फेर वाला है। कर्मवाद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मन चाहा प्राप्त कर सके? शायद कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। प्रतिशत में बात करें तो किसी का मन चाहा 10% हो सकता है, भाग्य का बलि है तो ज्यादा से ज्यादा 20% हो सकता है, अतिशय रूप में 50% भी हो सकता है। लेकिन कितना भी सबल सक्षम समर्थ हो, 100% मन चाहा किसी का नहीं हो सकता। 20वीं सदी के महाप्रतापी पुरुष आचार्य तुलसी अपना अनुभव लिखते हुए कहते हैं, मैं 22 वर्ष की छोटी अवस्था में आचार्य बना। उस समय एक बार मन में आया कि तेरा पंथ पर मेरा एक छत्र शासन है, शासन का सर्वोच्च नियता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन जल्दी ही मेरी यह भ्रांति टूट गई। जल्दी ही अनुभव हो गया कि ऐसा सोचना मेरी भूल है। राम कृष्ण महावीर बुद्ध या आचार्य तुलसी कोई भी हो, किसी का सोचा हुआ सब का सब पूरा नहीं होता। स्वयं को और अपनी मान्यता को स्थापित करने के लिए इन सबको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत कुछ झेलना पड़ा। मन चाहा प्राप्त करने की अवधारणा बहुत दुख देती है। आदमी स्वप्नों के जाल बुनता है और उसी में उलझ जाता है। अपना ही जाल और अपनी ही उलझन, मकड़ी अपने ही बुने जाल में फंस जाती है। चिंतन करने की जरूरत है कि कहीं हम स्वयं ही अपने लिए दुख पैदा तो नहीं कर रहे हैं। अपना सच्च मैसेज जा, अपना सत्य हम स्वयं खोजें, दूसरों के सहारे हम कब तक बैठे रहेंगे। इस बात का खुद पता लगाएं कि कहीं स्वयं ही तो अपने लिए कठिनाइयां पैदा नहीं कर रहा हूं, कहीं अपनी ही कपोल कल्पित अवधारणा से तो दुखी नहीं बन रहा हूं। यह सच है कि दुख का एक कारण बनती है परिस्थिति और दूसरा कारण बनती है मनस्थिति। इन दोनों को जानने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को सम्यक बनाएं, सही दृष्टि का विकास करें। दृष्टिकोण सही होगा तो सुख मिलेगा, दृष्टिकोण गलत होगा तो दुख मिलेगा। जैन तत्व विद्या का अध्ययन करने वाला सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की जो परिभाषा करते हैं, उसमें कहा जाता है कि जो जीव और अजीव को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, जिसे जीव अजीव का ज्ञान नहीं वह मिथ्या दृष्टि है। एक नई परिभाषा प्रस्तुत करना चाहता हूँ और वह यह है कि जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति में से सुख निकाल लेता है वह सम्यक दृष्टि है और सुख में से दुख निकालने वाला मिथ्या दृष्टि है। यह परिभाषा आचार्य तुलसी द्वारा सम्मत परिभाषा है। दो भिखारी सड़क के किनारे कटोरा लिए बैठे आपस में बात कर रहे थे। सामने से मोटर कारें आ जा रही थी। लालसा भरी दृष्टि से उन्हें देखते हुए एक ने कहा, आज की कमाई में प्राप्त पैसों से 1 रुपए वाली लॉटरी का टिकट क्यों न ले लिया जाए? क्या फायदा, लॉटरी भाग्य वालों की खुलती है, हमारी किस्मत में कहाँ है, दूसरा मायूसी से बोला।
क्या पता किस्मत मेहरबान हो जाए और लाख रुपए मिल जाए, दूसरा आशान्वित होकर बोला। फिर तो एक कार खरीदेंगे और कार में बैठकर भीख मांगेंगे, साथी भिखारी ने कहा। लाख रुपए मिल जाने पर भी जो भीख मांगना छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वह दुख से कभी सुख नहीं निकाल सकता। दुखी रहना ही उसकी नियति है। बेहतर जीवन जीने की बात ऐसे लोगों के मन में कभी नहीं आती। जो अवधारणा, जो मान्यता, जो कॉन्सेप्ट उनके मन में स्थिर हो गया है, अपनी जड़ जमा ली है, उसे निकाल पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। एक सेवानिवृत्त मास्टर जी ने अध्यापकों की मीटिंग में अपना चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहा, रतन टाटा अपने स्टील प्लांट टाटा मोटर्स और दूसरी फैक्ट्रियां मुझे दे दे तो मैं उनसे ज़्यादा कमा कर दिखा सकता हूँ। अध्यापकों ने उसकी ओर उन्मुख होकर जिज्ञासा भाव के साथ पूछा, कैसे? मास्टर जी ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा, आखिर चार ट्यूशन भी तो करता हूँ। चार ट्यूशन के 400 रुपए की अतिरिक्त आय उस गरीब अध्यापक के लिए कम नहीं है। इस तरह के लोगों का अपना एक गणित होता है और वे उसी के अनुसार सोचते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन को एक ढर्रे पर डाल चुके हैं, उसमें कोई बदलाव करने के लिए वे तैयार नहीं होंगे। उन्हें सुखी कौन बना सकता है? घटना एक, दृष्टिकोण दो। दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो दुख को हम नहीं पकड़ेंगे। मान लीजिए दो शिष्यों की गलती पर गुरु ने उन्हें उल्हाना दिया। जिस शिष्य का दृष्टिकोण सकारात्मक था, उसने उपालम्ब को इस रूप में लिया, अच्छा हुआ गुरुदेव ने मुझे आगे के लिए सचेत और सावधान कर दिया, अन्यथा मेरी भूल बार बार वैसी गलती करती। गुरु के उपालम्ब को उसने अपने विकास का हेतु माना और आगे के लिए सावधान हो गया, वह दुखी नहीं बना। दूसरे शिष्य का चिंतन और दृष्टिकोण नकारात्मक था। उसने सोचा, एक छोटी सी भूल के लिए सबके सामने मुझे दंडित किया गया, अपमानित किया गया। गुरुजी की तो खोट निकालने की आदत है, खोट तो मैं भी इनमें एक दो नहीं कई निकाल सकता हूँ। अब इनकी मनमानी सहन शक्ति के बाहर है, अवसर आने दो, इनकी औकात बता दूंगा। वह संतप्त हो गया और मन में प्रतिशोध की भावना आ गई। घटना एक और दृष्टिकोण दो। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। दुख तो हमारे नकारात्मक चिंतन से पैदा हो रहा है, चिंतन को बदल दे दुख का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। एक तत्वज्ञानी के दो पुत्र थे। वह व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ था, पुत्र अकस्मात बीमार हुआ और चल बसा। दूसरे दिन वह व्यक्ति लौट कर आया, शोक संतप्त पत्नी का बुरा हाल था, पति को सामने देख और ज़्यादा बेहाल हो गई। लेकिन उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को आश्चर्य हुआ, कितना पत्थर हृदय है, बेटा चला गया और इसे कोई परवाह नहीं। आखिर लोगों ने पूछ लिया, क्या बात है भाई, बेटे के जाने का क्या तुम्हें कोई गम नहीं? उस तत्वज्ञानी ने बड़ी गंभीरता से कहा, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मेरे 10 बेटे हैं, उनके साथ मैं खुशहाल स्थिति में हूँ। फिर तत्काल सपने में ही यह भी देखा कि ऊपर से छत गिरी और मेरे 10 बेटे उसके नीचे दबकर मर गए। अब तुम लोग बताओ कि मैं उन 10 के लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं? समझदार लोग इसी भाव और भाषा में चिंतन करते हैं। ऐसे लोगों को दुख सताने की बात ही छोड़े, उनके आसपास भी नहीं भटकता। सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। उपनिषद में कहा गया है, यम आत्मविद स सर्वविद। जो आत्मा को जान लेता है वह सबको जान लेता है। धर्म का सार है आत्मा को जानना। पर पता नहीं क्या बात है, सबसे ज्यादा उपेक्षा आदमी आत्मा की ही करता है। उसके बारे में जानने की कभी उत्सुकता ही नहीं पैदा होती। आदमी का सारा चिंतन पदार्थोन्मुखी होता है, उसी के इर्द गिर्द सारी परिक्रमा चलती है। अगर आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म आदि पर चिंतन हो तो आदमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो जाए। जिन्होंने अपनी अवधारणाओं का परिमार्जन किया है, परिष्कार किया है, अपनी मान्यताओं को सच्चाई के साथ जोड़ा है, मिथ्या दृष्टिकोण को सम्यक दृष्टिकोण बनाने का प्रयास किया है, वे यही कहेंगे कि इस दुनिया में तो सुख ही सुख हैं, दुख है ही नहीं। इस तरह हमारा सापेक्ष वचन और सापेक्ष कथन होगा। जहाँ मिथ्या दृष्टिकोण और अज्ञान का अभाव है, वहाँ इस दुनिया में सुख ज़्यादा और दुख कम है। जहाँ सम्यक दृष्टि और सम्यक चिंतन का अभाव है, वहाँ इस दुनिया में दुख ज़्यादा और सुख कम है। चाबी हाथ में,
विश्व की आबादी को दो खेमों में विभक्त किया जा सकता है, एक दुखी लोगों का खेमा और दूसरा सुखी लोगों का खेमा या वर्ग। लेकिन दोनों ही खेमों का निर्माता है दृष्टिकोण। हमें इतना ही मिला, इतना और मिल जाता तो बात बन जाती। बस इतना सा चिंतन आदमी को अस्थिर और दुखी बना देने के लिए काफी है। हम तो सोचते थे कि इतना भी नहीं मिल पाएगा, लेकिन भाग्य से जो मिला वही बहुत काफी है। यह चिंतन सुख की ओर ले जाने वाला है। समझदार आदमी इतने से ही सुखी बन जाएगा, लेकिन क्या इतना संतोष है आज के आदमी में? सम्यक चिंतन, सम्यक भाव और सम्यक दर्शन, ये सुख के राजमार्ग हैं। सबको इसी राजमार्ग का पथ लेना है। हम सदैव जागरूक रहें कि किसी भी स्थिति में हमारा चिंतन और दृष्टिकोण मिथ्या न बने, हमें हमारी आकांक्षा और आवृत्ति प्रभावित न करे। जीवन रूपी कक्ष में बंद सुख के ताले को खोलने वाली सम्यक दृष्टि रूपी चाबी हमारे हाथ में है। यह हमारी इच्छा और विवेक पर निर्भर है कि हम उसका उपयोग किस रूप में करते हैं। सुख और सुविधा। सभी को सुख के रास्ते की तलाश है। सबका यह प्रयत्न रहता है कि सुखी कैसे बने। सारी दुनिया में खोज चल रही है सुखी बनने की। आदमी ने सुखी बनने का एक सूत्र अपनाया है, धन कमाओ सुखी रहोगे, अच्छा परिवार बसाओ सुखी रहोगे। काली छाया क्यों? इस संदर्भ में देखें तो साफ पता चल जाएगा कि आदमी ने सुख और सुविधा को एक मान लिया है। हम दोनों को एक मानकर चल रहे हैं, इसलिए सुखी नहीं बन पा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इस भ्रांति से छुटकारा पा लेना है। हमें सुख और सुविधा के अंतर को ठीक से समझ लेना है। सुविधा है मनोअनुकूल पदार्थों की प्राप्ति। सर्दी में पर्याप्त गर्म कपड़े मिल गए, यह सुविधा है। भूख लगने पर पर्याप्त सुस्वादु भोजन मिल गया, यह सुविधा है। रहने के लिए बढ़िया मकान और जीवन यापन के साधन के रूप में बढ़िया दुकान मिल जाए, यह सुविधा है। सुख है संवेदन और अनुभूति। सुविधा का संबंध है पदार्थ के साथ और सुख का संबंध है चेतना के साथ। अनुकूल संवेदन होता है तो सुख मिलता है, और अनुकूल संवेदन नहीं होता तो सुख नहीं मिलता। एक व्यक्ति मेहमान बनकर रिश्तेदारी में गया, वहां उसे बढ़िया भोजन मिला, रात्रि आवास का भी अच्छा प्रबंध रहा, किंतु सम्मान नहीं मिला। रिश्तेदारों का व्यवहार बहुत रूखा रहा, उसे भले ही बहुत सुविधा मिली हो किंतु वह दुखी हो जाएगा। इसके विपरीत स्थिति देखे, एक व्यक्ति किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाता है, उसे वह सुविधा तो ज्यादा नहीं मिलती क्योंकि वह परिवार साधारण हैसियत का है। पकवान तो नहीं खिला पाता, लेकिन परिवार के सदस्य उसे हथेली पर ले लेते हैं। सबके चेहरों पर अतिशय प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। इस सम्मान और सद्भाव से अभिभूत उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, उनके साथ अत्यंत आत्मभाव का अनुभव करेगा। व्यवहारिक जीवन में आप कितने ही सुविधा भोगियों को दुखी पाएंगे। पास में वह सब कुछ है जिसे जरूरत की नहीं विलासिता की श्रेणी में रखा जा सकता है, फिर भी एक अव्यक्त दुख की काली छाया हर समय उनके चेहरे पर दिखाई देगी। जो सुविधा का मार्ग है वह हमारे सुख का साधन भी हो, यह जरूरी नहीं। कम सुविधा वाला या किसी भी तरह की सुविधा से वंचित आदमी सुखी रह सकता है, और हर तरह की सुविधा से संपन्न दुखी देखा जा सकता है। भाव आदमी को सुखी और दुखी बना सकता है। एक आदमी अभाव से दुखी बनता है और दूसरा अति भाव के कारण दूसरों को सामने रखकर दुखी बनता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर ही सूत्रकार ने कहा, जो आत्मनियंत्रण करता है, अपनी इच्छाओं पर संयम करता है, वह सुखी होता है। नींद और जागरण, ये दोनों हमारे जीवन की अनिवार्य स्थितियां हैं। आगम साहित्य में नींद के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण है। एक नींद वह होती है कि सुख के कारण व्यक्ति सो नहीं पाता, सोने का प्रयत्न करता है पर नींद नहीं आती। एक नींद ऐसी भी होती है कि सोने को तो आसानी से सो जाता है किंतु उठना भारी पड़ता है, बड़ी मुश्किल से नींद टूटती है। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है। अच्छी स्थिति यह है कि सुख से सोया जाए और सुख से जागरण हो जाए, बिना प्रयत्न के नींद आ जाए और बिना उठाए जाग जाए। नींद लेना भी अपने हाथ की बात हो और जागना भी अपने हाथ की बात हो। नींद एक समस्या है तो अनिंद्रा उससे बड़ी समस्या है।
बहुत से लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, वे अनिद्रा के रोग से पीड़ित हैं। बिना गोली लिए उन्हें नींद नहीं आती। आज नींद की गोलियों का बहुत प्रचलन है, अरबों रुपयों का व्यापार चल रहा है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ट्रैंक्यूलाइजर लिए बिना सो नहीं सकते। अस्वस्थ क्यों? यह बड़ी विचित्र बात है। भूख, प्यास, नींद, उत्सर्ग आदि शरीर की प्राकृतिक क्रियाएं हैं। अगर इनमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम पैदा होता है तो समझना चाहिए कि शरीर अस्वस्थ है, कोई विकार जरूर पैदा हुआ है, शरीर में जरूर कोई गड़बड़ चल रही है, कुछ अव्यवस्था जरूर चल रही है। खाने से पहले गोली, खाने के बाद गोली, नींद के लिए गोली, कितनी हास्यास्पद बात है। सोने के समय न सोना, समय पर भोजन न करना और पानी न पीना, सुपाच्य भोजन न करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, यह सब शरीर के साथ अन्याय ही तो है। अनियमित जीवनचर्या शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को बिगाड़ देती है और उसका परिणाम यह होता है कि शरीर में कुछ अघटित घटित होने लगता है। मन और भाव पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। हम इस बात को कभी न भूलें कि जिसका अपने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, उसका अपने भाव पर नियंत्रण नहीं हो सकता। भाव का परिष्कार तो होता है किंतु नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण हो सकता है मन पर और इंद्रियों पर। जिसमें नियंत्रण की क्षमता नहीं है वह सुखी होने की कल्पना भी न करे। अध्यात्म का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है दांत। जिसमें उपशम की साधना की है, नियंत्रण की शक्ति का विकास किया है, वह व्यक्ति दांत कहलाता है। हमारी बहुत सारी समस्याएं नियंत्रण के अभाव में होती हैं। आज के मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान से संबंध रखने वाले लोग कहते हैं कि दमन करना अच्छा नहीं होता। हम केवल शब्द को न पकड़े, हर बात का अर्थ विभज्यवादी दृष्टिकोण से करें। हमारे शास्त्रों में तो मन और इंद्रियों के दमन का साफ साफ निर्देश दिया गया है। इच्छाओं का दमन अगर नहीं किया जाता तो बेलगाम होकर, अनियंत्रित होकर वे हमसे ऐसे काम करवा सकती हैं जो किसी भी दृष्टि से करणीय नहीं है। दमन शब्द का अर्थ दंड भी होता है, दमन का अर्थ शांत भी होता है, और दमन का अर्थ अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करना भी होता है। दंड वाला अर्थ भी कोई बुरा नहीं है, अनेक संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। हम संदर्भ को देखकर अर्थ का नियोजन करें। जहां वृत्तियों का प्रश्न है, मन का प्रश्न है, वहां दमन का अर्थ बदल जाता है। वहां दमन का अर्थ दंड देना नहीं, मन की चंचलता पर नियंत्रण करना होता है। शब्द के साथ तात्पर्य को भी समझना चाहिए। दुविधा ग्रस्त क्यों? हम सुविधा को भी सही संदर्भों में समझने का प्रयत्न करें। हमें कोई सुविधा और सहूलियत दे सकता है किंतु सुख नहीं दे सकता। सुख देना किसी के वश की बात नहीं है। सुख तो भीतर की अनुभूति है जो हमारी आत्मा ही हमें दे सकती है, और सुविधा भी कोई कहाँ तक देगा। एक सुविधा देगा किंतु मन कुछ समय बाद उसके आगे की सुविधा की मांग करने लगेगा। एक सुविधा मिली तो दूसरी की जरूरत हो जाएगी, दूसरी मिली तो तीसरी की। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। खत्म तभी होगा जब पर्याप्त संतोष का भाव मन में आ जाएगा। संतोष को परम सुख कहा गया है। संतोष का सही अर्थ यह कि जो स्थिति प्राप्त हो उस स्थिति में मन को संबोध देना, मानसिक विश्वास पैदा करना, मानसिक एकाग्रता पैदा करना और सुख का संवेदन करना। जिस स्थिति में है उसी में सुख का संवेदन करना ही संतोष है। सुख का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं। धर्म सुखी होने का रास्ता दिखाता है, पदार्थ जगत में सुखी होने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। पदार्थ का काम तो दुविधा देना है। पदार्थ में उलझा रहने वाला हमेशा दुविधाग्रस्त रहता है। यह प्राप्त करना ठीक रहेगा, वह प्राप्त करना, इस दुविधा में वह हमेशा भ्रमित रहता है। पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है सुविधा और आत्मनियंत्रण के साथ जुड़ी हुई है सुखानुभूति या अनुकूल संवेदन। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जहाँ सुविधा छूटती है वहाँ तत्काल दुख का संवेदन शुरू हो जाता है। इस प्रकार सुविधा और दुविधा के साथ सुख दुख भी जुड़ जाता है। भारतीय चिंतन में अध्यात्म के क्षेत्र में एक शब्द चलता है, समता। आचारंग सूत्र में इसकी परिभाषा की गई, समया धम्म मुदा हरे मुनि। सुविधा और दुविधा में सम रहना धार्मिक का प्रमुख लक्षण है।
सम रहना अध्यात्म का परम विकास है, मानव जीवन की परम सफलता है। जब तक समता की इस चेतना का विकास नहीं होता, तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण काम है सत्य की खोज करना, और दूसरा महत्वपूर्ण काम है खोजे गए सत्य का अनुशीलन करना, अभ्यास करना, प्रयोग करना। आज धार्मिक जगत में भी ऐसी स्थिति हो रही है कि पास में संपत्ति तो बहुत है, किंतु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। धार्मिक लोगों के पास सुख की प्रचुर संपदा है, अगर वे उस पर ध्यान दे और उसका सही उपयोग करे तो सदा सुखी रह सकते हैं। इससे बड़ा अंधापन और क्या होगा कि पास में प्रचुर संपत्ति है और आदमी उससे बेखबर और अनजान है। आपने उस अभागे की कथा पढ़ी होगी जो 10 लाख का हीरा गले में लपटाए हुए भीख मांग रहा था। जब तक अपने पास की संपत्ति का ज्ञान नहीं होता, आदमी गरीब बना रहता है। जिस दिन उसे ज्ञान हो जाता है अपने पास की संपत्ति का, उसे परम सुख की स्थिति प्राप्त हो जाती है। धर्म का काम है बंद आंख को खोल देना, लेकिन धर्म का आज इस काम के लिए उपयोग ही नहीं हो रहा। चक्षु उन्मिलन का काम धर्म के द्वारा कहाँ हो रहा है? यह काम तो डॉक्टर को सौंप दिया गया है। डॉक्टर और दवा पर निर्भरता बढ़ गई है। डॉक्टर बाहर वाली आंख का इलाज तो कर देगा, लेकिन भीतर की आंख बंद रही तो बाहर की आंख जीवन का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगी। बाहर की आंख से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की आंख। यह खुली रहे तो सुख का स्रोत भी खुला रहेगा। ओम अरहम।